हो कुत्ते कमीने, और कुत्ते कमीने रहोगे, भोगते रहोगे कुत्ता जैसा, कुत्ते बन के भोगोगे पर कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये बात सुन लेना कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, किसके बारे में नहीं बात कर रही हूँ। ये वीडियो पूरा देखिए कि मैं कुत्ता कमीना तुम हो, ठीक है। अगर मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरे बारे में कहने से पहले 10 बार सोचे होते कि वो लड़की कैसी है, वो इंसान कैसे है। आप सबके स्वागत है बबता बिहारी ब्लॉग में। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, पहले आप सबके गुड मॉर्निंग जरूर बताइएगा। और दोस्तों मैं यही बताना चाहती हूँ आपसे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। बिना चाहती हूँ जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने मुझे चाहने वाले हैं, जितने मेरी भाइयों बहनें हैं, वो सब सारी मुझे कमेंट कर रहे हैं कि दीदी मुझे हेल्प चाहिए, हेल्प चाहिए। तो मैं यही बताना चाहती हूँ, मैं तो उस लायक नहीं हूँ, बाकी जिस लायक हूँ उस लायक ज़रूर आप सबकी हेल्प करूँगी। मेरे पास उतना औकात नहीं है दोस्तों, आप सब तो जानते हैं। मेरे पास अभी चैनल अभी जो है, मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरे अभी चैनल से पैसा नहीं आया है, मैं खुद मजबूर हूँ। मैं इतनी सारी मेहनत की हूँ, साल भर हो गया मुझे मेहनत करते हुए। आप भगवान जाने कि मेरा पैसा कब आएगा, आप सबके दुआ आशीर्वाद रहेगा तो ज़रूर मेरा पैसा आएगा। आप सब मेरा घर फैमिली सब देख ही रहे हैं दोस्तों कि हम एक गरीब फैमिली से हूँ, एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहती, घर फैमिली सब देख ही रहे हैं दोस्तों कि हम एक गरीब फैमिली से हूँ, एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहती हूँ कि एक मेरी बहन है, कलकत्ता से है, और वो मुझसे फ़ोन करके बोली कि दीदी मुझे हेल्प चाहिए। और वो बहुत मजबूर हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। बोली कि मुझे चैनल बनाना है, और बहुत गए हैं चैनल बनवाने के लिए, पर 5,000 रुपया मांग रहे हैं चैनल बनवाई। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ उनसे कि आप मेरी अगर ये वीडियो देख रही हैं तो आप चैनल मत बनवाइए उन सब से। अगर आपका चैनल बनवाना है तो हम बना कर आपका चैनल देंगे, ज़रूर देंगे। और दोस्तों तो मैं यही बताना आप सबसे चाहती हूँ कि जितने मेरे चाहने वाले, जितने मेरे सब्सक्राइबर, जितने भाई बहने हैं जो मुझसे हेल्प मांग रहे हैं, जितना तक मैं होंगी उतना तक आप सबकी हेल्प ज़रूर करूँगी दोस्तों। अगर आप सबकी थोड़ा सा मुझ पर विश्वास है, उम्मीद है, अगर तो मैं आप सबके आगे सर झुका के बोलती हूँ कि मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। अगर दोस्तों आप सब वीडियो में बने रहिए, और मेरा घर आप सबके पसंद है तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मैं क्योंकि मैं एक गरीब फैमिली से हूँ, और गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो दोस्तों यही जो मेरा घर है आप सब देख सकते हैं। बरसात जब पानी आता है तो मैं आज पहली बार मैं दिखा रही हूँ, जब पानी आता है तो सारी यहाँ से देखिए दोस्तों, क्योंकि धूप उधर से सारी बारिश के पानी अंदर आता है। यहाँ पे खाना बनता है पर यहाँ पे पानी पूरा लग जाता है। अगर यहाँ पे आप सब देख सकते हैं दोस्तों तो यहाँ जो है गहीर किया गया है, क्योंकि पानी उधर से आता है पूरा डगर के यहाँ आता है। तो हम लोग परेशान हो जाते हैं बरसाते के दिन में। देखिए किसी के मजबूरिया के कोई फ़ायदा ना उठाएँ। अगर मैं किसी के घर जाएँ अपना मजबूरिया बताएँ, वो चीज़ की कोई मजबूरी के फ़ायदा उठा दे, कोई मुझे गलत नज़रे से देखें। देखिए दोस्तों बहुत सारी मेहनत करना पड़ता है, कहीं कहीं जाना पड़ता है, तो बहुत लोगों के मुंह से मैं सुनी हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ें हुआ है, बहुत दर्द हुआ है कि ऐसा किसी के करना नहीं चाहिए। अगर जो इंसान है जो मुझे गलत नज़र से देखे हैं, ठहराए हैं, उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ, कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रहोगे, कि कभी आप खुश नहीं रहोगे, कभी ज़िंदगी में नहीं रहोगे खुश। ये मेरा जितना आंसू आप बहवाए हो, जितना मुझे रुलाए हो, कभी खुश नहीं रहोगे, ये सोच लेना। आगे तो बढ़ जाओगे पर कभी खुश नहीं रहोगे, किसी की नज़र में गिर रहोगे, और गिरे हो तुम। अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो समझ जाना कि मैं किसके बारे में कह रही हूँ, किसी के नाम धक के नहीं कह रही हूँ, किसी के
बुरैया नहीं बतिया रही हूँ, किसी की मजबूरी के फ़ायदा ना उठाना चाहिए। मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी इंसानियत की जगह पे चलती हूँ। मैं उस जगह पे नहीं चलती हूँ जिस जगह पे नीचे गिरा दिए। मेरा जितने सब्सक्राइबर हैं, मेरे जितने दोस्त हैं, वो सब तो नहीं नज़र से गिराए हैं, पर तुम गिराए हो। तुम सोच लेना कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। अगर एक दिन वो समय आएगा कि आपका नाम धक के मैं ज़रूर कहूँगी, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो ठीक है। अपना खुद अपना घर में झांक के देखो, अपनी जो वाइफे हैं, जो पत्नियाँ हैं, उनकी नज़र में देखो कि वो कैसी है, वो किसकी किसकी बुराइयाँ करती रहती है, और वो किसी के भी किसी से भी मतलब नहीं देखना, ठीक है। मेरे ऊपर बहुत सारे लोग हैं, ये नहीं कि तुम मेरा कुछ लगते हो, मेरे रिश्तेदार हो कि मेरे भाई हो कि मेरे देवर हो कि मेरे ससुर हो कि मेरे भसुर हो कि मेरे दादा पादा हो, बताओ क्या लगते हो कि मेरे इथी में बुराइया बाती आने वाले, तुम क्या हो बताओ? कुछ नहीं हो, किसी की नज़र में कुछ नहीं हो। तुम गिरे हो, गिरे रहोगे। एक बात सुन लेना, तुम गिरे हो, गिरे रहोगे, और कभी अच्छाइया बन के नहीं दिखाओगे, ठीक है। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, किसके साथ वीडियो बना रही हूँ, किसके साथ नहीं बना रही हूँ, किसके साथ एल्बम शूट कर रही हूँ, किसके साथ नहीं कर रही हूँ, आपको क्या करना है। जब मेरा हस्बैंड जब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे फुल सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे पूछ कर जाती हूँ, हर जगह पूछ के जाती हूँ। ये नहीं है कि उनसे नहीं, बिना बताए मैं नहीं जाती हूँ, ठीक है। एक बात तो आप सब सुन लीजिए कि शाम होता है, शाम की मैं कहीं नहीं जाती हूँ, क्योंकि शाम की एक बेटी है। आप तो सुन ही रहे हैं कि बहुत सारी करी किरने काटने वाले, बहुत सारी ये करे ये सब बच्चे के चुराने वाले आ रहे हैं, तो इसलिए अपनी बेटी के नहीं लेकर जाती हूँ शाम के समय पे। कहीं से फ़ोन आ शूटिंग के लिए, मैं नहीं जाती हूँ। मैं जाती हूँ तो सुबह में जाती हूँ, जब 5 बजे से लेके 3 बजे तक मैं रहती हूँ। बाहर क्यों रहती हूँ, जब शूटिंग ख़त्म हो जाता है तो रात में। देखिए, एक सोनू भैया है जिनका शूट सिर्फ रात में हुआ था, मैं रात में गई थी, आपसे बताना चाहती हूँ आप सबसे दोस्तों। तो आप सब वो वीडियो मैं ब्लॉग वीडियो बना के डाली हूँ। देखिए, मैं सुबह में क्यों आई कि रात के समय पे मेरे खतरा था, क्योंकि मेरे साथ बेटी थी। मैं अकेले रहती तो कोई बात नहीं रहता, मेरे साथ एक बेटी है, इसलिए मैं रात में नहीं आई थी वहाँ से। अगर सुबह में मैं आई थी वहाँ पर, आप सबकी वीडियो डाली हूँ, आप सब जाके देखिएगा दोस्तों। अगर मैं मेरे न गलत बोली होंगी दोस्तों, आप सब जरूर बताइएगा कमेंट में। किसी के भी किसी के बारे में बोलने से पहले एक बार दिमाग में सोच लेना चाहिए, और वो भी बहुत भारी। कभी जिंदगी में मैं किसी के मुंह से नहीं सुनी हूँ, पर उनका मुंह से सुनी हूँ दोस्तों। मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ, बहुत दुख हुआ कि एक छोटी सी बेटी मेरे पास है। अगर वो थोड़ा सा बेटी के भी लिहाज किया होगा, वो इंसान वो होता, अगर थोड़ा सा बेटी के लिहाज किया होता तो आज मेरे बारे में ऐसा बात नहीं किया होता, ठीक है। तो तुम हो कुत्ते कमीने, और कुत्ते कमीने रहोगे, भोकते रहोगे कुत्ता जैसन, कुत्ते बन के भोकोगे पर कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये बात सुन लेना कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, किसके बारे में नहीं बात कर रही हूँ। ये वीडियो पूरा देखिए कि मैं किसके बारे में, किसी के और कोई भी है इंसान के जो मुझे गलत ठहराए हैं, उनके बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि तुम सिर्फ कुत्ते लायक हो, तुम इंसानियत के लायक नहीं हो, नहीं रहोगे, सिर्फ कुत्ते बन के रहोगे और भोगते रहोगे, ठीक है। आप कुछ नहीं कर पाओगे, किसी के कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपके पास एक बेटी है, उसके लिहाज रखो, कुत्ता कमीना तुम उसको ले आज रखो, ठीक है। अगर मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरे बारे में कहने से पहले 10 बार सोचे होते कि वो लड़की कैसी है, वो इंसान कैसी है कि जो कि किसी से बात नहीं करना चाहती है, किसी से बात नहीं करती है, इतनी घटिया तक क्यों गिर जाएगी वो, ऐसे तो पहले सोचा होता ना। तुम तो हमेशा आते जाते रहते हो, तुम तो जानते हो कि मैं किस लायक हूँ और किस लायक नहीं हूँ, ठीक है।
तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम मेरे बारे में कहे हो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ऐसा सोच लेना कि एक दिन ऐसा दिन आएगा कि आपके नाम धक के मैं गाली दूंगी, ठीक है। ये वीडियो देखते होंगे आप, तो ये सोच लेना, समझ लेना कि आज मेरा हस्बैंड नहीं है कि तुम मुझे गलत ठहराओगी। मैं इंसानियत के जगह पे चलती हूँ, गलत के जगह पे नहीं चलती हूँ। मैं रंडी नहीं हूँ आपके पत्नी के जैसे, मैं रंडी नहीं हूँ। वो रंडी है, उनके जाके देखो, उनके नज़रों में जाके देखो कि वो कैसी लड़की है, वो कैसी 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 कामें करती है, कैसी कैसी घटिया घटिया बातें करती है लोगों से, उनको जाके देखो, ठीक है। मुझे बारे में मत बोलना, आज के बाद से वीडियो देख रहे हो तो मेरे बारे में मत बोलना। अगर मेरे बारे में अगर तुम वीडियो बनाए तो ये सोच लेना कि मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। आज के बाद से मेरा थम्मल लगाना, मेरा यूज करना छोड़ दो, नहीं तो मैं जब उतर जाऊंगी ना तो आपके पास थम्मल लगाओ छोड़ दो। अगर मेरा जो जितना सब मेरे बारे में बातें किए हो वीडियो में वो सब सारी काट दो, नहीं तो मैं सोच लेना कि मैं उस टाइप की लड़कियां नहीं हूँ। जब मैं उतर जाती हूँ ना उस जगह पर तो मैं छोड़ती नहीं हूँ, मैं तो धीरा रहती हूँ, पर जब वो इथी में उतर जाऊंगी ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इतना सोच लेना। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहती हूँ किसके बारे में बात की हूँ, किसके बारे में नहीं की हूँ। तो दोस्तों आप सब माफ़ करना, आप सबके मैं कुछ नहीं की हूँ। देखिए जिसका दिमाग खराब हो जाता है ना, जो सुनता है ना, उनके दिल में कितना दर्द होता है, क्या होता है, ये पूरी बात मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि ये सोशल मीडिया है। अगर मेरे बारे में जो भी बात किए हैं वो तो समझ ही जाएंगे वीडियो देख के। तो दोस्तों इसके लिए आप सबसे सॉरी, माफ़ी मांग रही हूँ। गलती हुआ होगा तो ज़रूर बताइएगा एक कमेंट में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मुझे बोलने के आगे हिम्मत नहीं है। इसी पर वीडियो एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। दोस्तों बाय बाय।